बैंगन का भरता बनाने के लिए सबसे पहले हमने दो बैंगन लिए हैं और इसको मैंने धो के अच्छे से साफ़ कर लिया है। और इसको आप अच्छे से चेक कर लें कहीं कोई होल तो नहीं है। उससे क्या होता है कि कीड़े लगने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और अब हम इसमें कट के निशान लगाएंगे, तो एक नाइफ़ लेंगे और थोड़ी थोड़ी दूरी पे हमें इसमें इस तरीके से कट के निशान लगाने हैं ताकि हम इसे अंदर से भी चेक कर सकें कि हमारा जो बैंगन है बिल्कुल साफ़ है कि नहीं। ये देखिए हमने इसमें कट के निशान लगा दिए हैं, तो चेक कर लेते हैं। इस तरीके से हमें चेक करना है और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हमारा जो बैंगन है बिल्कुल साफ़ है, इसमें कोई भी कीड़ा नहीं लगा। तो बस हमने इसको अच्छे से चेक कर लिया है और सेम प्रोसेस से अपना दूसरा बैंगन को भी हम तैयार कर लेते हैं। इस तरीके से चीरा लगाएंगे और उसको भी हमें चेक कर लेना है। तो ये देखा दूसरा भी हमारा जो बैंगन है बिल्कुल साफ़ सुथरा है, इसमें कोई कीड़ा नहीं लगा। अब हम इसको भूनेंगे, तो इसके लिए हमने यहाँ पे चार लहसुन लिए हैं और इसको हमें इसके भीतर अच्छे से डाल देना है। देखिए इस तरीके से, तो इससे क्या होगा जो हमारा बैंगन भुनेगा तो उसके साथ जो है लहसुन भी भुन जाएगा अच्छे से और बहुत ही बढ़िया लहसुन का इसमें फ्लेवर आता है। तो दो लहसुन मैंने उसमें डाल दिए हैं और दो से लहसुन मैं दूसरे बैंगन में डाल दूँगी ताकि दोनों में अच्छे से भुन जाए और बढ़िया सा फ्लेवर आए दोनों में। तो ये दोनों को हमने अच्छे से इसके भीतर फिट कर दिया है और अब हम इसे भूनेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा तेल लेंगे। ओहो थोड़ा ज़्यादा तेल निकल गया कोई बात नहीं, थोड़ा सा तेल इसके ऊपर लगा लेते हैं और बाकी का तेल हम किसी चीज़ में डाल के रख देंगे। तो ये तेल हमने इसके ऊपर अच्छे से लगा दिया है, इससे छिलके बड़े आसानी से निकल जाते हैं। तो अब हम इसे भूनेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे एक स्टैंड लिया है और गैस की फ्लेम ऑन कर दी है। आप कोई भी जाली या कोई भी स्टैंड पे इसे भून सकते हैं ताकि वो अच्छे से रख के भून जाए। तो क्योंकि इससे थोड़ा गैस हमारा गंदा हो जाता है इसलिए हम इसके लिए जाली या स्टैंड यूज़ करेंगे। तो इस पे आप इसको अच्छे से पलट के भून सकते हैं चारों तरफ से। ये देखिए थोड़ी सी दिक्कत होती है इसको रखने में, इसलिए थोड़े बड़े बैंगन लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होता है, उससे अच्छे से भून जाएगा वो। तो बस इस तरीके से हम इसे रखेंगे और थोड़ी थोड़ी देर में हम इसे पलटते रहेंगे और मीडियम फ्लेम पर हमें इसे भूनना है, हाई फ्लेम पे ना भुने, बस धीरे धीरे भुनने देते हैं और फिर हम इसको बीच बीच में चेक करते रहेंगे। ये देखिए हमने इसको बीच बीच में पलटते हुए चारों तरफ से अच्छे से भून लिया है और हमारा जो बैंगन है वो भून के बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चेक कर लेते हैं इस तरीके से एक बार। ये देखिए हमारा बैंगन बिल्कुल अच्छे से भुन गया है। तो गैस ऑफ करेंगे और इसे एक बर्तन में रखेंगे। ये हमने एक बॉल लिया है और इसके अंदर जो हमने दोनों बैंगन भुने थे वो रखेंगे और इसे हम अच्छे से कवर कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि इसके अंदर मॉइस्चर छोड़ेगा ये और जो इसका छिलका होगा वो बहुत ही आसानी से हट जाएगा। तो बस 10 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो 10 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। 10 मिनट हो गए हैं तो चेक कर लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो बैंगन हमारे थोड़े गीले दिखेंगे आपको। तो अब हम बैंगन को एक थाली में लेंगे और अब हम इसका छिलका हटाएंगे। तो इस तरीके से छिलका हटाएंगे, बहुत आसानी से हट जाएगा। तो बस इसी तरीके से हम दोनों बैंगन के छिलके हटा के अलग कर लेते हैं। ये देखिए बैंगन का जो छिलका है वो हमने अच्छे से हटा दिया है और अब हम इसे मैश करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक फोक लिया है और इससे हम इसे मैश करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो लहसुन है वो भी काफ़ी अच्छे से मैश हो गया है एक बार में। तो काफ़ी सॉफ्ट हो गए हमारे जो बैंगन है और अच्छे से मैश हो जाते हैं इसी तरीके से। आप चाहे तो आलू मैशर का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी इसको मैश कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से मैश कर लेते हैं। ये देखिए बैंगन को हमने अच्छे से मैश कर लिया है और काफ़ी अच्छे से मैश हो गए हैं फोक से। तो अब हम इसको एक साइड रख देंगे और चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप में। अब हम इसका तड़का या बेस मसाला तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक पैन लिया है, गैस की फ्लेम ऑन कर दी है और इसके अंदर हम 3 चम्मच सरसों का तेल यूज़ किया है मैंने, तो वही मैंने इसमें डाल दिया है और तेल को हम मीडियम फ्लेम पर गर्म होने देते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है और अब हम इसके अंदर 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे। तो मैंने 1 चम्मच जीरा इसके अंदर ऐड कर दिया है और गैस की फ्लेम मीडियम रखी है।
इसके अंदर अब मैं ऐड करूँगी हींग। तो ये मैंने एक चौथाई चम्मच हींग ली है, इससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है, ये ऑप्शनल है। तो ये भी हम इसमें डालेंगे और जीरे को अच्छे से पकने देते हैं। ये देखिए जीरा हमारा अच्छे से पक गया है। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन। यहाँ पे मैंने 7-8 लहसुन की कली ली थी, उसे बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। सारे लहसुन हम इसमें डालेंगे। तो इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे अदरक। 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था, इसे भी मैंने बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। ये भी हम इसमें डालेंगे और इसका थोड़ा सा भूनेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑनियन। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे और इसे बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। सारे प्याज हम इसमें डालेंगे। प्याज को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा भूनेंगे क्योंकि प्याज इसमें थोड़ा कच्चा कच्चा अच्छा लगता है। तो बस मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर प्याज को हम रोस्ट कर लेते हैं। प्याज को हमने मीडियम फ्लेम पे भून लिया, हमने इसे ज़्यादा लाल नहीं किया, बस इतना ही हमें इसे भूनना है। अब हम इसके अंदर हरी मिर्च ऐड करेंगे। तो ये मैंने 2-3 हरी मिर्च लिए, इसे बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। हरी मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। ये मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, इसे भी बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। ये भी हमने इसमें डाल दिया है। तो टमाटर को हम मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भूनेंगे, हमें इसे अच्छे से इसमें गलाना है। तो बस इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर हम इसे भून लेते हैं। टमाटर हमारे अच्छे से गल गए हैं और हमने इसको मीडियम फ्लेम पे भून लिया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले लाल मिर्च। तो ये मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च लिए, लाल मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर 1 चम्मच, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच नमक। नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सारे मसाले इसके अंदर अच्छे से मिलाएंगे और गैस की फ्लेम मीडियम ही रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे ही हम इसे अच्छे से पकाएंगे ताकि जो मसाले हैं वो इसमें अच्छे से पक जाएं। तो बस इसी तरीके से हम मीडियम फ्लेम पे इसको 2 मिनट पकाएंगे। दो मिनट बाद देखिए हमारे जो मसाले हैं वो अच्छे से पक गए हैं और तेल भी सेपरेट हो गया है। तो एक बार मसाला अच्छे से मिलाएंगे और जो बैंगन को हमने मैश करके रखा था वो इसके अंदर डालेंगे। तो ये सारे बैंगन इसके अंदर डाल देते हैं और अच्छे से मसाले में मिलाएंगे। ये देखिए मसाले में हमने इसको अच्छे से मिला दिया है। तो अब हम इसे कवर करेंगे और कवर करके हम इसे 2-3 मिनट पकाएंगे। पानी का यूज़ नहीं करना इसके अंदर। 2-3 मिनट हमने इसको मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पका लिया है। हमारे जो बैंगन है वो मसाले में बिल्कुल बढ़िया तरीके से पक गए हैं और काफ़ी बढ़िया स्मोकी सी इसमें खुशबू आ रही है और बहुत ही बढ़िया इसका फ्लेवर आया है। तो इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे धनिया पत्ता। गैस हम ऑफ कर देंगे और थोड़ा सा धनिया पत्ता मैंने बारीक कट करके इसमें डाल दिया है और अच्छे से मिलाएंगे। अब हम इसे कवर करेंगे और कवर करके थोड़ी देर इसी तरीके से रख देते हैं, फिर हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो इसे मैंने गर्मा गर्म सर्व किया है, बहुत ही बढ़िया इसमें से खुशबू आ रही है। तो आप भी बनाइए और इन्जॉय करिए, बिल्कुल पंजाबी स्टाइल स्मोकी फ्लेवर वाला। और इसे आप पराठा रोटी के साथ इन्जॉय कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।